जैसे कि हम अक्सर दिखाते आए हैं कि भिवंडी के ज़्यादातर नगर सेवक नकारा ही है, लेकिन इस बार हम आपको एक ऐसे नगर सेवक के सराहने काम को दिखाने जा रहे हैं जो इंसानियत के लिए बहुत उम्दा काम है। हम इनके वार्ड के कामों को लेकर कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ ये वीडियो इसलिए दिखा रहे हैं ताकि लोगों में इंसानियत का जज्बा पैदा हो। आपको बता दें कि भिवंडी के वार्ड नंबर 6 के नगर सेवक परवेज मोमिन अक्सर गरीब लोगों के काम आते रहते हैं और ये उनके वार्ड के लोगों का बोलना है। लोगों को मेडिसिन, हॉस्पिटल, शादी ब्याह और दूसरी ज़रूरत के वक्त वो हमेशा खड़े रहते हैं, जो उनके दरिया दिली और काम करने के जज्बे को आज दर्शाता की है। हमारी इस वीडियो के स्पॉन्सर है अयान कलेक्शन। अयान कलेक्शन आपको देता है ऑल टाइप्स ऑफ लेडीज ड्रेस मटेरियल, फ्री होम डिलीवरी, ऑनलाइन पेमेंट की सुविधा, साथ ही साथ आप व्हाट्सएप पर भी ऑर्डर कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर ऐसी ही संपर्क। मिसाल उस वक्त पेश आई जब वार्ड के लोगों ने तकिया अमानी शाह कब्रिस्तान में एक परिंदे को 3 दिन से जो झाड़ के जो दरख्त के बीच पतंग के मांझे में फंसा हुआ देखा तो फौरन अपने नगर सेवक के पास परवेज मोमिन को इसकी जानकारी दी, इस बात के लिए इत्तला दी गई। परवेज मोमिन ताबड़तोड़ फौरी तौर पर कब्रिस्तान में पहुंचे और फायर ब्रिगेड के लोगों को कॉल करके बुलाया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के जवानों ने पूरी मुस्तैदी के साथ दरख्त पर चढ़े, वो भी वहाँ जहाँ उनकी सीढ़ी भी नहीं पहुँच रही थी। जवानों की 2 घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार परिंदे को सही सलामत नीचे उतार लिया गया, जिसके बाद परवेज मोमिन साहब ने परिंदे को पानी पिलाया और उस परिंदे की जान बच सकी। तो देखा आपने किस तरह से फायर ब्रिगेड की बहादुरी और नगर सेवक की वक्त रहते हरकत में आने से एक परिंदे की जान बचा ली जा सकी। आइए सुनते हैं वार्ड के लोगों से फायर ब्रिगेड और नगर सेवक परवेज मोमिन का इस पर क्या बोलना है। देखा जाए तो बहुत मामूली सा है, मगर एक ज्ञान का मामला था। ज्ञान किसी की भी हो, एक इंसान की हो कि एक परिंदे की हो। हमारे परवेज मोमिन को मालूम पड़ा, इन्होंने फ़ोन किया कॉरपोरेशन में और फायर ब्रिगेड के डिपार्ट को। उन्होंने भी जल्दबाजी दिखाई और हाजिर हुए। तकरीबन 2 घंटे से मशक्क़त करके हुए पेड़ पर चढ़ कर इन्होंने एक परिंदे की जान बचाई, जो आज के समाज के लिए ये कोई चीज़ लोग नज़रअंदाज करते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा आलमिया है। और ऐसा सारे लोगों से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि कहीं कोई ऐसे मामला हो तो खुद अपनी खिदमत पेश करे, या वो उसकी अपनी ताकत नहीं रहे तो किसी और को शामिल करके इस चीज़ को अमल को करे। ये परवेज भाई 4 दफ़े कर चल के, और पूरे डिपार्टमेंट वालों का भी बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे परवेज मोमिन का भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले मैं फायर ब्रिगेड वाले का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि हमारे फ़ोन के ऊपर उन्होंने आए और अपनी जान की परवाह ना करते हुए काफ़ी 40-50 फुट ऊपर झाड़ के ऊपर चढ़े भाई साहब ने, और इनको काफ़ी ज़ख्म हुआ है हाथ वगैरह में। ये मुसलसल 2 घंटा झाड़ के ऊपर लटके हुए थे और अल्हम्दुलिल्लाह ये परिंदे की जान बचाई है, अल्लाह इनको जजाए घर देगा। मेरी सब लोग से यही एक गुजारिश है कि कहीं भी अगर ऐसा कोई मामला रहेगा तो तुरंत आपातकालीन वगैरह में फ़ोन करके ये जो परिंदे वगैरह परिंदे जानवर जो भी रहेंगे उनकी जान बचाना हमारा फर्ज बनता है। प्लीज सब्सक्राइब अवर यूट्यूब चैनल भिवंडी मिरर, प्रेस बेल आइकॉन टू गेट मोर नोटिफिकेशन, फॉलो ऑन फेसबुक, ज्वाइन विद अस ऑन व्हाट्सएप 7888161661।